नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शाहिद कपूर की पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह के 31 दिन के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस हफ्ते तेलुगु रिलीज फिल्म स्मार्ट शंकर के 4 दिन के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 के 10 दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों में कौन कौन सी हिट हो गई और कौन सी रह चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि स्मार्ट शंकर, कबीर सिंह और सुपर 30 में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों बात करें अगर सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के बारे में, तो दोस्तों विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सुपर 30 को आज बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं 10 दिन। यानी कि फिल्म ने पहले हफ्ते में भी कलेक्शन पूरे कर लिए और फिल्म के दूसरे हफ्ते का वीकेंड भी आज खत्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में धुआंधार कलेक्शन किए थे, उसी तरह दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी एक बढ़िया जंप लिया और फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी काफ़ी शानदार आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, आदित्य श्रीवास्तव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म सुपर 30 ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 11 करोड़ 83 लाख रुपए से। वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। वही दोस्तों फिल्म का जो पहले हफ्ते का यानी 7 दिनों का कलेक्शन था वो था 75 करोड़ 85 लाख रुपये। वही अगर बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किए थे 4 करोड़ 51 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों फिल्म के जो 9वें दिन के कलेक्शन हैं वो बिल्कुल सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म के जो 9वें दिन के कलेक्शन थे वो 8वें दिन से डबल आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुपर 30 फिल्म ने अपने 9th डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया 8 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने जहाँ दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे, वही 9th डे यानी दूसरे शनिवार फिल्म का कलेक्शन डबल हो चुका और 8 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने कमाई की। वही दोस्तों अगर बात करें 10वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों 10वें दिन है संडे यानी होलीडे का दिन और दोस्तों फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को पहले पसंद बन चुकी है। और आपको दोस्तों जानकर खुशी होगी कि सुपर 30 फिल्म पहले बिहार में टैक्स फ्री हुई थी, उसके बाद राजस्थान में, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को इस हफ्ते से यूपी में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसकी वजह से टिकटों के रेट थोड़े कम हो चुके हैं और फिल्म के देखने के लिए पब्लिक अब ज्यादा जा रही है, जिसकी वजह से दोस्तों फिल्म अपने 10वें दिन यानी दूसरे संडे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 10 करोड़ का। तो दोस्तों अगर फिल्म संडे यानी अपने 10वें दिन 10 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है, तो दोस्तों फिल्म का जो शुरुआती 10 दिनों का टोटल इंडिया कलेक्शन हो जाएगा वो होगा 98 करोड़ 36 लाख रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो इस फिल्म का 10 दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो जाएगा 116 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक 28 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 10 दिनों का, वो हो रहा है 144 यानी 144 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है और लोग अभी भी इस फिल्म को जिस तरह से देखने जा रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है फिल्म इंडियन नेट मार्केट में अभी तो और लंबी चलेगी और अगले हफ्ते भी फिल्म के कलेक्शन दमदार आने वाले हैं। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने सुपर 30 फिल्म नहीं देखी, तो प्लीज इस फिल्म को देख के जरूर आए, काफी बढ़िया फिल्म है और ऋतिक रोशन के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट स्टोरी वाली फिल्म बन चुकी है सुपर 30। तो दोस्तों इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस फिल्म को देख के जरूर आए। और अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं, तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। तो दोस्तों बात करें अगर फिल्म कबीर सिंह के बारे में, तो दोस्तों कबीर सिंह के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 5वां हफ्ता चालू हो चुका है और फिल्म 5वें हफ्ते तक भी बॉक्स ऑफिस पर गजब का कलेक्शन कर रही है और लग रहा है कि ये फिल्म शायद इंडियन नेट कलेक्शन के मामले में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करके ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह
जिसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने, और जिस फिल्म का बजट सिर्फ 55 करोड़ रुपए था और फिल्म को अपने पहले हफ्ते में 3123 स्क्रीन में हिंदुस्तान में और 500 स्क्रीन के आसपास ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया गया था। दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इतनी शानदार कलेक्शन किए थे और फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही सुपरहिट हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों फिल्म का अच्छा कंटेंट होने की वजह से और फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिलने की वजह से फिल्म के जो कलेक्शन थे वो दूसरे हफ्ते में भी बढ़िया चलते रहे और तीसरे हफ्ते तक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन करती रही। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि फिल्म चौथे हफ्ते में और पाँचवें हफ्ते में भी इतना बढ़िया कारोबार करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो कबीर सिंह फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 20 करोड़ 21 लाख रुपए से। वही फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में 134 करोड़ 42 लाख रुपए कमाए थे। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भी दमदार कलेक्शन करते हुए टोटल कमाई की थी लगभग 78 करोड़ 80 लाख रुपए की। वही तीसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन आया था 36 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें चौथे हफ्ते की तो फिल्म ने चौथे हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया 16 करोड़ 66 लाख का। और अब अगर बात करें पांचवें हफ्ते के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने पांचवें हफ्ते में कदम रखते ही अपने 29वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 1 करोड़ 3 लाख रुपए। वही 30वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 1 करोड़ 70 लाख रुपए। और अगर बात करें 31वें दिन की तो दोस्तों ये फिल्म 31वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह फिल्म का जो 31 दिन का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 271 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें कबीर सिंह के ग्रोस कलेक्शन की तो दोस्तों कबीर सिंह का इंडिया ग्रोस कलेक्शन अभी तक हो चुका है 321 करोड़ रुपए। और अगर बात करें ओवरसीज ग्रोस की तो दोस्तों फिल्म का ओवरसीज मार्केट में टोटल ग्रोस कलेक्शन हुआ है 40 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 361 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है और ये फिल्म इस वक्त हिंदुस्तान की नंबर वन फिल्म बन चुकी है 2019 की। अब देखना है दोस्तों इस फिल्म के रिकॉर्ड कौन से आने वाली फिल्म तोड़ पाती है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म वार वो फिल्म शायद इस फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार कबीर सिंह के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करें अगर तेलुगु फिल्म स्मार्ट शंकर के बारे में तो दोस्तों पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म स्मार्ट शंकर जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है राम पोथेनेनी, निधि अग्रवाल और नभा नितेश। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था पूरी जगन्नाथ की वाइफ यानी चार्मी कौर ने। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म ने 4 दिनों में जो कलेक्शन किए हैं वो 2019 के एकदम सरप्राइज कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये एक तेलुगु फिल्म होकर सिर्फ तेलुगु में रिलीज हुई है, लेकिन दोस्तों सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद भी स्मार्ट शंकर बॉक्स ऑफिस पर नए नए इतिहास रचती जा रही है और फिल्म अपने शुरुआती 3 से 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए था जिसमें फिल्म ने रिलीज होने के पहले ही 29 करोड़ रुपए भी कमा लिए थे। जी हाँ दोस्तों फिल्म ने अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट, हिंदी डब राइट बेचकर 29 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, यानी कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही प्रोड्यूसर 9 करोड़ के फायदे में आ चुका था। लेकिन दोस्तों अब बारी थी फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की तो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाका कर दिया और पहले दिन ही इस फिल्म के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन आए। और दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के यानी 4 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1200 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म आई स्मार्ट शंकर ने अपने शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था 38 करोड़ रुपए का, जिसमें फिल्म का 3 दिन का शेयर कलेक्शन आया था 15 करोड़ 50 लाख रुपए। वही बात करें हम चौथे दिन की तो दोस्तों चौथे दिन है संडे और संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा बूस्ट दिखने को मिल रहा है और फिल्म अपने चौथे दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में ग्रोस कलेक्शन कर रही है लगभग 14 करोड़ रुपए का। वही
इस फिल्म का शेयर कलेक्शन आ रहा है 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म चौथे दिन भी खतरनाक कलेक्शन करती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म का जो 4 दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 52 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन के मामले में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है। वही अगर बात करें हम शेयर कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का शेयर कलेक्शन 4 दिनों में हुआ है 23 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कि फिल्म का प्रोड्यूसर इस फिल्म से इतना कलेक्शन और इतनी कमाई कर चुका है जो कि 100 करोड़ की फिल्म बनाकर भी वो नहीं कमा पाता। तो दोस्तों, फिल्म ने तेलुगु वर्जन में तो धूम मचा दी और ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अब देखते हैं इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जब रिलीज किया जाता है तो इस फिल्म को टीवी पे रिलीज करेंगे या फिर थिएटर में रिलीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि इस फिल्म को तो हिंदी डब रिलीज करके डायरेक्ट टाकीज में रिलीज करना चाहिए, जिससे फिल्म हिंदी वर्जन में भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर जाएगी। और अगर यूट्यूब पर रिलीज होती है ये फिल्म हिंदी में, तो ये समझ लीजिए कि इस फिल्म के 100 मिलियन व्यूज तो 1 हफ्ते के पहले ही आ जाएंगे। और हो सकता है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे और सरनाडू के भी व्यूज का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ सकती है। वैसे दोस्तों, आपको इस फिल्म का हिंदी वर्जन में इंतजार है या नहीं, और क्या आप इस फिल्म को हिंदी वर्जन में टाकीज में देखना पसंद करेंगे या फिर यूट्यूब पे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।